हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक पोटली बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें हैंडल भी दिया है और एम्ब्रॉयडरी भी की है, टसल भी लगाए हैं। और ये बॉटल ग्रीन के कलर में है और ये भी मेरा ब्लाउज पीस था। मैंने इसको ब्लाउज़ नहीं बनवाया और उसमें दूसरे कलर का ब्लाउज ले लिया कंट्रास्ट, और इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी करके, ये जो एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं ये मैंने की है, और इसके अंदर मैंने इस तरह से स्पेस दी है। एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है, काफ़ी स्पेस है इसमें, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। और इसको लॉक करने के लिए हमने यहाँ पर डोरी दी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज जो हम पोटली बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए ये मैंने दो पीस क्विल्टेड लिए हैं, और ये 9x11 इंच का एक पीस मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। आप देख सकते हैं, इसका वीडियो मैं जल्दी ही आपको दूंगी। और इसको मैंने ऊन से एम्ब्रॉयडरी की है और एक पीस मैंने प्लेन क्विल्टेड कर लिया। तो ये 9x11 इंच के दो पीस हैं हमारे पास। अब इसके बाद मैंने लिया है 3x6 का एक क्विल्टेड पीस, 3x6 इंच का एक, और 2 इंच विड्थ की दो पाइपिंग लिए हैं 9 इंच, ये दोनों 9 इंच की हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर डोरी ली है, 23 इंच की डोरी ली है, और ये बेल्ट हमने ली है 18 इंच की, और इसमें दो दो हमने वुडन बीड्स डाल दिए हैं। और 9x11 इंच का सेम फैब्रिक लिया है। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं, और साथ में हमने थोड़ा सा वूल भी लिया है जो इससे मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी की है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे, 2 इंच डाउन मार्क करेंगे ऊपर के साइड से, लाइन खींचेंगे, सेंटर निकालेंगे, 4.5 पर सेंटर निकाल लिया। सेम इसमें भी 2 इंच डाउन पर एक निशान लगाएंगे, सेंटर में निशान लगाएंगे, लाइन खींचना जरूरी है। अब हमारे पास जो 2 इंच विड्थ की दो पाइपिंग है 9 इंच की, इसको लेंगे और साइड से, दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी, दोनों पीस में सेम सिलाई कर देंगे। बराबर रखते हुए दूसरे पीस को भी हम सिल देंगे। और किसी एक पीस को लेंगे, सेंटर को लंबा करेंगे, जो पट्टी तैयार की है उसका भी सेंटर निकालेंगे, सेंटर पर रखते हुए इसको हम जो लाइन खींची है उस पर मशीन चला देंगे। पलटते हुए डबल करेंगे और सेम प्रोसीजर में जो हमारा एम्ब्रॉयडर पीस है उसमें भी हम इस पट्टी को लगा देंगे, सेंटर निकाल के सेंटर पर रखते हुए। अब जिसमें हमने वुडन बीट डाले थे 18 इंच की बेल्ट को लेंगे और सेंटर से 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर रखते हुए दोनों को लगा देंगे। हैंडल लगाने के बाद हमारे पास जो 9x11 इंच के टू पीस फैब्रिक थी सेम
फैब्रिक में इसको अब हम लगाएंगे। एक पीस लेंगे, किसी भी एक पीस के ऊपर 9 इंच के एरिया पे इसको रखेंगे और सिल देंगे। इसको सिलने के बाद अब दोनों कुल्टेड पीस एक साथ रखेंगे बराबर से, जहाँ से फैब्रिक शुरू है, जहाँ हमने जोड़ लगाया है वहाँ से इसको बराबर रख देंगे और कुल्टेड पीस से सिलते हुए नीचे फैब्रिक तक सीधा सिल देंगे। अब 3x6 का जो हमारे पास क्विल्टेड पीस है उसका हम 3 इंच वाले एरिया पर सेंटर निकालेंगे। सेंटर दोनों साइड निकालना है 3 इंच के एरिया पर। अब सेंटर को पकड़ते हुए, 3 इंच के सेंटर को पकड़ते हुए यहाँ जो हमने नीचे सिलाई की है इसके साथ पहले दोनों साइड में 3 इंच का एरिया जोड़ेंगे, फिर 6 इंच का एरिया जोड़ेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। और ये जो लाइनिंग का पीस है इसका जो बॉटम है इसको हम फिनिशिंग के साथ पैक कर देंगे। अब इसको पैक जो कर दिया है इसको हम अंदर कर देंगे, पूरा अंदर अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद अब ये जो डोरी और फैब्रिक का बीच है हमारा, तो डोरी को बाहर खींचेंगे, बाहर करते हुए फैब्रिक को अंदर, जो लाइनिंग लगाई है उसको अंदर और क्विल्टेड पीस को पीछे की तरफ करते हुए बराबर से रखते हुए एक चाप की दूरी पर मशीन चला देंगे। ये हमने इसमें फिनिशिंग भी दे दी है। और अब इसके बाद जो 23 इंच की हमने दो डोरियां तैयार की थी उनको लेंगे और सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर डालेंगे। एक तरफ से डालेंगे और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। इसको हमने बराबर से एक तरफ से डाला, दूसरी तरफ से निकाल लिया, थोड़ा बराबर करेंगे। और अब हमको चाहिए यहाँ पर निडिल, उसमें मैंने ऊन डाल रखा है और क्योंकि इसी ऊन से मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी भी की थी, तो अब इसको रख लेते हैं साइड में। वूल लेंगे, जितने कलर से मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी उतने कलर के इसमें मैंने वूल लगाऊंगी और इसमें अब इसको टसल बनाऊंगी। तो पहले मैं इस ऊन से थोड़ा सा हाथ में लपेटूंगी। थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करूंगी।
फिर ग्रीन कलर मिक्स करूंगी। एक अलग थोड़े से फूल के टुकड़े से इसको यहाँ पर मैं नॉट दे दूंगी, बीच में से फूल को निकालते हुए इसको मैं नॉट, और नॉट को खूब टाइट करना है। इससे से खूब अच्छे से टाइट कर देने के बाद इसको नीचे से कट कर दूंगी। अब निडल थ्रेड जो हमने पहले से तैयार करके रखा था उसको लेंगे, और जो थ्रेड जो निडल में थ्रेड है उसको थोड़ा सा इस तरह से रखते हुए बीच में से लपेटना शुरू करूंगी। खूब टाइट लपेटना है। और इस तरह से लपेटते हुए, अभी काफ़ी लपट गया, काफ़ी टाइट हो गया, अब निडल की मदद से वहाँ पर उसमें नॉट दूंगी ताकि वो अपनी जगह बंधा रहे, और उसको बीच में से निकाल लूंगी। ये देखिए, ये हमने बीच में से निकाल लिया है। निकालने के बाद यहाँ पर भी हम नॉट दे देंगे। अब जो बैग में डोरी डाली है हमने उसको लेंगे, दोनों सिरों को पकड़ेंगे, उसमें से निडल पास करते हुए निकालेंगे। और टसल के बगल तक ले आएंगे, वहाँ पर एक बार और करते हुए नॉट देंगे। इस तरह से टाइट करने के बाद अब इसको भी हम एकदम नीचे से, जहाँ से अब इस डोरी को हम डबल कर रहे हैं यहाँ पे, तो डबल करने से क्या होगा कि थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, और जहाँ से डोरी पर हमने नॉट लगाई थी वहाँ पर एक साथ से रैप करेंगे। खूब टाइटली इसको रैप करना है, और करीब 1.5 इंच तक ऊपर तक हम इसको रैप करते चले जाएंगे। और वहाँ पर उसी निडल की मदद से नॉट दे देंगे। यहाँ पर हमने डबल नॉट दे दी है। अब निडल को उसी जगह से थोड़ा अंदर से पास करते हुए बीच में कहीं निकाल देंगे। अभी काफ़ी टाइट है तो मुझे यहाँ ताकत लगानी पड़ रही है। ये हमने खींच लिया, अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, और टेसल को भी अब थोड़ा फिनिशिंग देंगे। हमारा एक टसल और डोरी कंप्लीट हो गई। इसी प्रोसीजर में हम दूसरी डोरी को भी डालेंगे और कंप्लीट करेंगे। हमने इसको इधर से डाला था, अब दूसरे साइड से डालेंगे। और इस तरह से ये हमारा
पोटली बैग देखिए कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। इसमें मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। अब दोनों टसल बराबर हो गए हैं। इनको हाथ से रगड़ के इनके सिरे खोल दिए इस तरह से, और ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, और इसमें काफ़ी स्पेस है अंदर, और इसको आप पार्टी वेयर बट्टुए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और डोरी खींचने पे इस तरह से लॉक हो जाएगा, एम्ब्रॉयडरी आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो पोटली बैग। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।